Hello everyone, I'm Amit Gupta, your physics teacher on Unacademy. Welcome to another episode of Fireman, science ka superhero, logic ka dost. 2 April 2011, kya aapko ye tarikh yaad hai? Mumbai ka Wankhede Stadium, Cricket World Cup ka final, aur commentator ki ye line. Dhoni finishes off in style and India lives the World Cup after 28 years. Sara desh mano khushi se Diwali mana raha. Wo bhi April mein. पर इस दिवाली की रोशनी की शुरुआत होती है महेंद्र के गांव के अंधेरे से। ये कहानी शुरू होती है 1998 में झारखंड के एक दूरदराज के गांव में रहने वाले महेंद्र से। महेंद्र एक उभरता हुआ विकेट कीपर बैट्समैन था। वो इतना तगड़ा बैट्समैन था कि सफेद गेंद को भी मार मार के लाल कर देता था, एकदम धागा खोल देता। जल्दी ही अंडर 19 जोनल टीम का सिलेक्शन होने वाला था और महेंद्र को इसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार था। डे एंड नाइट टूर्नामेंट के लिए प्रैक्टिस भी तो डे एंड नाइट करनी पड़ेगी। महेंद्र दिन में गांव से दूर के मैदान में प्रैक्टिस करता था, पर शाम होने के बाद मैदान में रोशनी नहीं होती थी, इस वजह से उसकी प्रैक्टिस पूरी नहीं हो पाती थी। यदि वो विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस करता था तो बैटिंग की छूट जाती थी, और बैटिंग की करता था तो विकेट कीपिंग की, तो इस तरह से तो वो सेलेक्ट ही नहीं होता। महेंद्र का एक दोस्त था कमलेश, सब उसे जुगाड़ू कमलेश कहते थे। उसने स्वदेश मूवी देखी थी। उसने सोचा कि क्यों न जो गांव से 50-60 किलोमीटर दूर झरना है वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर लगाकर खुद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ले। कमलेश ने जुगाड़ किया और पूरे गांव की मदद से झरने पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर लगा दिया। इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी कि पूरा वानखेड़े स्टेडियम जगमगा उठता। महेंद्र खुश हो गया, पर जैसे ही उसने मैदान पर लाइट जलाई उसको 440 वोल्ट का झटका लगा, वो भी बिना इलेक्ट्रिसिटी के। जहां झरने पर सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी, मैदान पर 0 वाट का बल्ब भी बहुत डिम जल रहा था। बल्ब तो नहीं जला, लेकिन सबके दिमाग का फ्यूज जरूर उड़ गया। किसी को समझ में नहीं आ रहा था अब क्या करें, मैदान पर सफिशिएंट लाइट क्यों नहीं आ रही थी। महेंद्र अब प्रैक्टिस कैसे करेगा? क्या अब वो सेलेक्ट नहीं हो सकेगा? क्या कोई है जो उसकी मदद कर सके? अगर साइंस में है डाउट तो फायरमैन विल सॉर्ट इट आउट। सबसे पहले ये समझते हैं कि मैदान में सफिशिएंट पावर क्यों नहीं आ रही थी। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में सबसे इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि हम पावर जनरेट एक जगह करेंगे और उसका इस्तेमाल किसी दूसरी जगह पर करेंगे, और इसके लिए यूज होती है ट्रांसमिशन केबल्स। और इसमें सबसे बड़ा हर्डल होता है इन केबल्स का इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। जिन ट्रांसमिशन केबल से इलेक्ट्रिक पावर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है उनमें एनर्जी का लॉस भी होता है अकॉर्डिंग टू I²RT। और जितनी ज्यादा इन वायर की लेंथ बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा और उतना ज्यादा पावर का लॉस होगा। और इसी वजह से जब झरने से मैदान तक ट्रांसमिशन केबल को लेकर आए तो मैक्सिमम पावर तो रास्ते में ही हीट की फॉर्म में गायब हो गई और मैदान तक इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं पहुंची। इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो एसी वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। ट्रांसफॉर्मर फैराडे लॉ और म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इसमें दो कॉइल्स होती है, एक प्राइमरी कॉइल जो कि कनेक्टेड होती है एसी वोल्टेज के सोर्स से, जैसे कि झरने पे लगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर, और दूसरी होती है सेकेंडरी कॉइल जो कि कनेक्टेड होती है लोड से, जैसे कि मैदान पे लगी हुई लाइट है। और ये दोनों कॉइल्स लिंक्ड होती है ट्रांसफॉर्मर की कोर से। जब एक एसी सोर्स को प्राइमरी कॉइल से कनेक्ट करते हैं तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और ट्रांसफॉर्मर की कोर की वजह से ये वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल से भी लिंक्ड होती है। अब फैराडे लॉ की वजह से जब किसी लूप में वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या EMF आ जाता है, और उस इंड्यूस्ड EMF से इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है। इलेक्ट्रिकल पावर को दूर तक ट्रांसमिट करने के लिए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर चाहिए होता है।
स्टेप अप ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स प्राइमरी कॉइल से ज्यादा होते हैं। इसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज प्राइमरी कॉइल से बढ़ जाता है। एक आइडियल ट्रांसफार्मर में आउटपुट पावर इनपुट पावर के बराबर होती है। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि सेकेंडरी कॉइल में यदि वोल्टेज बढ़ेगी तो उसमें करंट कम हो जाएगा। हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि हीट कम होने की वजह से एसी करंट को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ऐसे फायमैन ने मारा चौका और महेंद्र को मिल गया अंडर 19 में खेलने का मौका। फिजिक्स रिलेटेड ऐसे प्रॉब्लम आप भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो और अपने आसपास के किसी चैंपियन का करियर बना सकते हो। बस अटेंड कीजिए मेरी स्पेशल क्लासेस और लाइव बैचेस अनअकैडमी ऐप पर। यूज कीजिए कोड AGNUC, इससे आपको मिलेगा डिस्काउंट और ढेर सारा नॉलेज। But that's it from this episode. फिर मिलेंगे फायरमैन की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग फायरमैन।